सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। दिस इज मयूर एंड यू आर वॉचिंग राइड विद मयूर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं TVS का iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्सेज ओकिनावा का प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्राइसिंग के वगैरह एंड इसके जो बॉडी मटेरियल वगैरह रेंज एंड और भी कई सारे डिफरेंट आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले है। तो आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करने वाले है एंड लास्ट में हम अगर बात करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी होने वाली है एंड क्यों बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए एंड ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों TVS की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों TVS ने फिलहाल सबसे पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है एंड बहुत सारे कस्टमर इस पर वेटिंग भी है एंड बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर जो ये सजेशन कर रहे हैं कि TVS का भी iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी आने वाला, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। एंड दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो ओकिनावा का प्रेज प्रो भी है जो कि ऑलरेडी लॉन्चिंग हो चुका है एंड बहुत सारे कस्टमर ने इसको ले लिया है एंड लेने की सोच भी रही है। तो बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, डिफरेंट क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों आपको प्राइसिंग में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंट आने वाला है, जैसे आपको आगे भी डिफरेंट आने वाले हैं। जैसे कि प्राइस की बात करें तो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस सबसे पहले ही बेंगलुरु में अवेलेबल है, जल्दी आपको ऑल सिटी पर अवेलेबल होने वाला है। तो iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के आपको बेंगलुरु में 115,000 रुपए ऑन रोड का प्राइस अवेलेबल होने वाला है एंड दूसरी तरफ हमारा ओकिनावा प्रेज प्रो का प्राइस जो है 80,000 आपको एक्स शोरूम का प्राइस होने वाला है, जो कि ऑन रोड का नहीं है। ऑन रोड का प्राइस आपके हिसाब से, इसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। एक्स शोरूम का प्राइस आपको 80,000 आपको यहाँ पर जो है मतलब 80,000 रुपए प्रेज प्रो का प्राइस होने वाला है एंड iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर का 115,000 रुपए ऑन रोड का प्राइस होने वाला है। तो लगभग आपको यहाँ पर जो है ओकिनावा प्रेज प्रो का आपको यहाँ पर जो 1,00,000 पकड़ लीजिए एंड TVS iQube का ऑन रोड का 115,000 रुपये प्राइस पकड़ सकते हो। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो डिफरेंट प्राइस में भी आने वाला है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, बैटरीज एंड रेंज के बारे में। बैटरीज एंड रेंज की बात करें तो आपको यहाँ पर भी डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि आपको बैटरी जो आपको TVS के iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी मिलने वाला है 4.5 kW का बैटरी पैक अवेलेबल होने वाला है, जो कि लिथियम बैटरी पैक है एंड जो 5 घंटे में फुल चार्ज होता है विदाउट रिमूवेबल बैटरी पैक है। मतलब आप इस बैटरीज को निकाल नहीं सकते हो, TVS की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी जो है वहाँ पर अंदर फिट है, उस बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो रेंज मिलने वाला है TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में 75 किलोमीटर का रेंज आपको वन चार्ज में मिलने वाला है। सो ये हो गया TVS iQube का। तो ओकिनावा प्रेज प्रो की बात करें तो ओकिनावा प्रेज प्रो में बैटरी मिलने वाली है 2 kW का बैटरी पैक आपको लिथियम का मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 kW का बैटरी पैक मिलने वाला है जो कि फुल्ली रिमूवेबल बैटरी पैक है एंड ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाए। सो गाइस, बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज के बारे में बात करें तो ओकिनावा प्रेज प्रो में आपको यहाँ पर जो रेंज मिलने वाला है 100 किलोमीटर का रेंज आपको आराम से आपको वन चार्ज में देने वाली है। सो आपको यहाँ पर डिफरेंट भी काफ़ी डिफरेंट आने वाली है। आप सबसे पहले डिफरेंट आने वाला है जो कि आपको बैटरीज का किलोवाट का बैटरी का डिफरेंट आने वाला है, प्लस आपको यहाँ पर जो प्रेज प्रो में रिमूवेबल बैटरी पैक है एंड TVS iQube में रिमूवेबल बैटरी पैक नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पर जो रिमूवेबल बैटरी पैक की जरूरत नहीं है तो आप iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर का सजेशन मैं कर सकता हूँ आपको। तो अगर आपको ट्रैवलिंग वगैरह करने का शौक है तो आप रिमूवेबल बैटरी के पास वहाँ पर जा सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर जो मोटर एंड स्पीड के मामले में। मोटर की बात करें दोस्तों तो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर मिलने वाली है 4.4 kW का मोटर आपको अवेलेबल होने वाला है, जो कि हम यहाँ पर बात करें ओकिनावा प्रेज प्रो की तो उसमें आपको 2.5 kW का मोटर आपको अवेलेबल होने वाला है। तो आपको मोटर एंड बैटरीज में काफ़ी डिफरेंट एंड प्राइस में भी डिफरेंट आने वाली है, जैसे कि मोटर में भी डिफरेंट आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम टॉप स्पीड के मामले में। टॉप स्पीड की बात करें तो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में 78 km/h तक का टॉप स्पीड अवेलेबल हो जाता है, जो कि आपको प्रेज प्रो में कम मिलने वाला है। जहां दोस्तों ओकिनावा के प्रेज प्रो में इलेक्ट्रिक स्कूटर में 65 to 70 km/h तक का टॉप स्पीड आपको प्रेज प्रो में अवेलेबल होने वाला है एंड आपको यहाँ पर जो फर्क भी काफ़ी बड़ा फर्क आने वाला है, जो कि आपको पिक पावर में भी आपको डिफरेंट आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं बूट स्पेस के मामले में। दोस्तों बूट स्पेस की बात करें तो आपको TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी बड़ा बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है, बट दोस्तों आपको यहाँ पर जो ओकिनावा के प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में बूट स्पेस अवेलेबल नहीं हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पर जो है रिमूवेबल बैटरी पैक होने के कारण उस बैटरी को निकालते रहें आपको पर जो है बूट स्पेस जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको 7 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो आपको बूट स्पेस के मामले में TVS iQube भी आगे जाने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रिवर्स मोड के मामले में। दोस्तों TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्स
रिवर्स मोड अवेलेबल हो चुका है एंड बहुत सारे एलईडी स्कूटर में रिवर्स मोड आ रहे हैं न्यू एलईडी स्कूटर में, बट आपको ओकिनावा प्रेज प्रो में आपको रिवर्स मोड जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं हो जाते। मतलब आपको ओकिनावा के किसी भी एलईडी स्कूटर में आपको रिवर्स मोड जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो है टीवीएस आईक्यू में रिवर्स मोड अवेलेबल है बट आपको प्रेज प्रो में रिवर्स मोड अवेलेबल नहीं होने वाला, तो ये भी आपको यहाँ पर जो डिसअपॉइंट हो सकता है प्रेज प्रो में। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा वारंटी के मामले में। वारंटी की बात करें दोस्तों तो आपको TVS iQube एलईडी स्कूटर में वारंटी अवेलेबल हो जाती है 3 ईयर की वारंटी विद आपको 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी, इन दोनों में से जो इंक्लूड सबसे पहला होगा वो इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको प्रेज प्रो में आपको वैसा नहीं है, प्रेज प्रो में आपको यहाँ पर जो वारंटी अवेलेबल हो जाती है जो कि है दोस्तों 3 ईयर की या 20,000 किलोमीटर तक आपको वारंटी अवेलेबल हो जाती है। तो वारंटी के मामले में एंड यहाँ पर जो है काफ़ी डिफरेंट भी आपको अवेलेबल होने वाला है। सो गाइज आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे डिफरेंट वगैरह आने वाले जैसे वारंटी के मामले में वगैरह, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट में इन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है डिस्क ब्रेक के मामले में। डिस्क ब्रेक की बात करें हम यहाँ पर जो TVS iQube एलईडी स्कूटर में सिंगल आपको आगे ही डिस्क ब्रेक अवेलेबल होने वाला है एंड पीछे के आपको यहाँ पर जो है ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल होने वाला है, बट आपको ओकिनावा की प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोनों आपको यहाँ पर जो है आगे एंड पीछे में दो डिस्क ब्रेक अवेलेबल होने वाले है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन के मामले में। दोस्तों आपको TVS iQube एलईडी स्कूटर में प्रोफेशनल एंड फास्ट चार्जिंग वाले जैसे आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलने वाले, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होने वाले हैं एंड ऑलरेडी हो भी चुके हैं, जैसे कि एथर हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिक कार वगैरह आप यहाँ पर जो चार्ज करते हैं वैसे आपको यहाँ पर जो TVS के iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में होने वाला है। आपको रिमूवेबल बैटरी बैक भी अवेलेबल होने वाला है प्रेज प्रो में, तो उसके कारण से आप जो उस बैटरी को निकालने के बाद भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, वो आपको अलग ही होने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है TVS iQube एलईडी स्कूटर में HD स्मार्ट डिस्प्ले अवेलेबल होने वाला है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल दिखने वाला है, जैसे कि एथर से भी आप अच्छा कह सकते हो या एथर जैसा आप इसको जो कह सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह में आते हैं वैसा आपको डिस्प्ले TVS iQube एलईडी स्कूटर में अवेलेबल होने वाला है। बट आपको दोस्तों ओकिनावा प्रेज प्रो की बात करें तो ओकिनावा प्रेज प्रो में आपको अवेलेबल होने वाला है नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले अवेलेबल होने वाला है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ रहे हैं, मतलब ओल्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ रहे हैं, वैसे आपको यहाँ पर जो है फीचर्स वगैरह आपको प्रेज प्रो में अवेलेबल होने वाले हैं विद आपको यहाँ पर जो TVS iQube एलईडी स्कूटर में आपको जियो फैंसेंसी वाले फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन आपको TVS iQube एलईडी स्कूटर का 1 ईयर का फ्री मिलने वाला है, उसके बाद आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उसका यहाँ पर जो है कुछ प्लान वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो चुके हैं, बट कंपनी ने कहा कि 1 ईयर तक आपको सब्सक्रिप्शन फ्री होने वाला है। वैसे आपको यहाँ पर जो जियो फैंसेंसी वाले फीचर्स आपको ओकिनावा के प्रेज प्रो एलईडी स्कूटर में अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। HD स्मार्ट डिस्प्ले आपको यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल नहीं हो जाता ओकिनावा प्रेज प्रो में, तो आपको डिफरेंट भी आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले में आने वाला है डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर जो TVS का iQube एलईडी स्कूटर आगे जाने वाला है। एंड गाइज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर जो है सर्विस के मामले में, जहाँ दोस्तों कंपनी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करती है बट कस्टमर हैप्पी नहीं होती, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देते। तो हम बात करते हैं सर्विस के मामले में, तो TVS iQube एलईडी स्कूटर का आपको यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह आपको सबसे पहले अवेलेबल होने के बाद आपको सर्विस जो अवेलेबल होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को पता है TVS एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इसी कारण से आपको TVS की एलईडी स्कूटर की काफी अच्छी सर्विस अवेलेबल होने वाली है। सो दोस्तों बात करें हम ओकिनावा के प्रेज प्रो एलईडी स्कूटर की सर्विस के मामले में, तो सर्विस की बात करें दोस्तों तो ओकिनावा की सर्विस मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, जैसे हम यहाँ पर कंपेयर करें TVS एलईडी स्कूटर से तो बहुत ही बढ़िया आपको सर्विस TVS iQube एलईडी स्कूटर में या TVS कंपनी की तरफ से अवेलेबल होने वाले, हम कंपेयर करें ओकिनावा से तो जमीन आसमान का फर्क आपको यहाँ पर जो अवेलेबल होने वाला है। मेरा सजेशन है दोस्तों सर्विस के मामले में TVS iQube भी बेस्ट होने वाली है। सो बात करते हैं हम यहाँ पर जो है लुक के मामले में कि लुक दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से बेस्ट कौन सा होने वाला है एंड बॉडी मटेरियल इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन कौन सा आपको यहाँ पर डिफरेंट आने वाले हैं। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर जो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक के मामले में दोस्तों, तो लुक आपको काफ़ी अमेजिंग लुक मिलने वाला है, बहुत ही ट्रेंडी लुक आपको यहाँ पर जो है iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल होने वाला है। एंड बात करें हम यहाँ पर जो है ओकिनावा के प्रेज प्रो में, तो ओकिनावा के प्रेज प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी काफ़ी अच्छा आपको लुक मिल जाता है, बट हम यहाँ पर कंपेयर करें TVS की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंट आने वाला है। आपको TVS iQube का लुक बहुत ही, मेरे को तो TVS iQube का इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक अच्छा लगा। सो दोस्तों लुक की बात कर हम यहाँ पर जो मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो आप जो लुक के हिसाब से आप जो सजेशन कर सकते हो आपके हिसाब से।
सुनने के समय पर बात करते हैं बॉडी मटेरियल के मामले में। दोस्तों बॉडी मटेरियल की बात करें तो फाइबर बॉडी मटेरियल इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज़ किया गया है, जो कि प्रेस प्रो से भी अच्छा एंड आईक्यूब से भी अच्छा, आप इसको नहीं कह सकते। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेम टू सेम आपको अवेलेबल होने वाला है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक जो है दोस्तों विनर के मामले में। दोस्तों इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में फाइनल विनर कौन होने वाला है एंड क्यों होने वाला है, उसी पर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले। सो दोस्तों यहाँ पर जो विनर होने वाला है वो होने वाला दोस्तों हमारा जो है TVS का IQube इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि दोस्तों TVS IQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले है ऑन रोड का 115,000 रुपये। बट आपको इसमें जो है स्पीड भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, आपको बैटरीज है आपको यहाँ पर जो काफ़ी बढ़िया मिलने वाले है, मोटर पिक पावर अच्छी मिलने वाली है एंड वारंटी एंड सर्विस। दोस्तों वारंटी एंड सर्विस आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर जो TVS IQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल होने वाली है, क्योंकि आपको स्पीड अच्छा मिल रहा है, सब अच्छे मिल रहे हैं, बट आपको लास्ट में जो इसकी वारंटी एंड सर्विस अच्छी नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हम यहाँ पर कंपेयर करें प्रेस प्रो से तो प्रेस प्रो की आपको यहाँ पर जो प्राइस भी कम आपको अवेलेबल होने वाले, लगभग आपको ऑन रोड की प्राइस प्रेस प्रो की 1,00,000 तक जा सकती है, वो आपके सिटीज़ पर अवेलेबल है। उसमें आपको यहाँ पर जो रेंज ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है, बट आपको स्पीड में ज़्यादा डिफरेंट आने वाला है, लुक में डिफरेंट आने वाला है एंड उसमें वारंटी में भी आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंट आने वाला है। उसी के साथ आपको डिस्प्ले वगैरह में आपको डिफरेंट आने वाला है एंड लास्ट में आपको यहाँ पर जो सर्विस में भी डिफरेंट आने वाला है। सो दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप ज़रा सा बजट बढ़ा लीजिए एंड आपको जो है TVS का IQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस कर सकते हो, आपको सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आपका बजट ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप प्रेस प्रो ले सकते हो, बट आप उसके जो सर्विस वगैरह देख लीजिए, सर्विस वगैरह आपके सिटीज़ पर कैसी है, उसी के आपको डिपेंड है कि आपको यहाँ पर सर्विस अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो आई होप दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पर जो कंपेरिजन फुल्ली कर दिया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।